और एक बैंगलोर साइड फेमस बीन्स खीमे का चाकना, उसकी रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। कौन सी भी रोटी के साथ तो अच्छी दिखती है ये। और एक चीज़ क्या का तो ज़्यादातर ऐसे चाकने में नारियल और कोथिमीर का पेस्ट इस्तेमाल करती हैं। तो एक से दो नारियल तुम्हें ऐसा पीस को कोथिमीर के साथ फ्रीज करके रख ले तो बहुत आसानी होती है। देखो एक वक्त के यूज़ को कहता हूँ ना, इतना वक्त छोटे बाउल्स में या कौन से भी कंटेनर्स में दाल को फ्रीज करके रख ले तो जब का तब तुम्हें जब पका रही तब उसमें इस्तेमाल करे जा। अब रेसिपी में क्या कहता हूँ, बीन्स खीमे के चाकने के वास्ते दो प्याज, तीन टमाटर, दो सुई की भाजी के कट्टे ही है और बड़े दो मेथी की भाजी, इसके साथ बीन्स आधा किलो है, दो आलू और एक शिमला मिर्च जो मुगली मिर्ची बोलती हूँ, इतना सब काट को रखो रहो। और 150 से 200 ग्राम होना तो तुम्हें 1.5 किलो भी लिए जा। खीमा अच्छे से वॉश करको, सब चीज़ें तैयार कर लियो। कुकर में, प्रेशर कुकर में एक ज़रा तेल डाल को दो प्याज बारीक से काट को अच्छा लाल हुए तक बघार लियो। साथ में 1 टीस्पून के होता अदरक लहसुन का पेस्ट दाल को अच्छे से मिला लें। अदरक लहसुन हाँ से एक से डेढ़ भी ले सकती हैं। अब ये जो खीमा हमें धो कर रखो थे, ज़रा विनेगर दाल को तुम्हें रखे तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता। और कश्मीरी लाल मिर्ची 1 टीस्पून डाली हूँ, तुम्हें होना तो ज़्यादा डाले जाओ। कितना स्पाइसी तुम्हें खाना पसंद करती होता। और ये आपको 3 टमाटर, इसके बाद हल्दी, नमक टेस्ट के मुताबिक 1 से 1.5 टीस्पून तक पकड़ता है आधा किलो को। इतना सब दाल को अच्छा सॉफ्ट होने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना, जो हमें कोथिमीर और नारियल का पेस्ट बना को रखो ही वो अंदाजे से 1/2 कप के होता। इतना सब दाल को अच्छा ऐसे कच्ची स्मेल गए तक पका लियो। अब ये जो धो को हमें अच्छे से धो को 3 से 4 मरतबा पानी में धो को काट को रखो रहती हैं सब्ज़ियाँ, एक एक करको डाल लेते जाओ। ये बीन्स, आलू, मुगली मिर्ची वॉश करको ये अब नेक्स्ट सुई की भाजी, इसे अच्छा से 3 से 4 मरतबा पानी में धो को। और ये मेथी की भाजी तुम्हें होना तो पालक भी इसमें मिला ले जा, दूसरी भाजी भी तुम्हें डाल सकती हैं। अब ये बहुत ज़्यादा दिख रही है लेकिन एक 5 मिनट तुम्हें हाई फ्लेम पर पका ले तो सॉफ्ट हो जाको, इसका क्वांटिटी कम हो जाता है। अब ये क्या करना, तुम्हें और एक 5 मिनट पूरा कच्चा स्मेल गए तक मसाले का अच्छे से पका लेना। अब पक्को होने के बाद अच्छा बॉयल आता ना, बॉयल आने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर डालो। टेस्ट होना तो ये स्टेज में देख सकती हैं तुम्हें, अगर रोज़े में ही तो तुम्हें अंदाजे से डाले तो भी बहुत मज़े की बनको तैयार होती है। अब देखो जस्ट 1-2 विजल्स, नहीं तो तुम्हारा कुकर प्रेशर कुकर कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर दूसरा है तो 3 से 4 भी लेना पड़ता है। तो अब ज़बरदस्त बीन्स खीमा दाल को बने से चाकना तैयार है। चावल की रोटी के साथ तो बहुत ज़बरदस्त दिखता है, ना तो पराठे, गेहूँ की रोटी, खिचड़ी के साथ भी बहुत अच्छा दिखता है। तो ज़रूर एक बार बना को ट्राई करके देखो। रेसिपीज़ पसंद आ रही तो सब्सक्राइब ज़रूर करो।